आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल चॉकलेट की रेसिपी, जो केवल दो चीजों से बस 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। और चलिए बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप डार्क चॉकलेट ली है, 1/2 कप मिल्क चॉकलेट ली है, ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम और किशमिश। काजू और बादाम को मैंने ड्राई रोस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और किशमिश को ड्राई रोस्ट नहीं किया है। और ये लिए हैं मैंने 2 छोटे पैकेट मारी बिस्किट। एक पैन में पानी लेंगे और हाई फ्लेम पर पानी को गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो गैस को मीडियम लो कर दें। अब कांच का या स्टील का कोई भी एक थोड़ा बड़ा बोल पैन के ऊपर रखेंगे और बोल में हम डालेंगे डार्क चॉकलेट और साथ ही में मिल्क चॉकलेट भी डाल देंगे। लगातार चलाते हुए हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है और चॉकलेट को लगातार चलाते जरूर रहें, जिससे कि चॉकलेट जले नहीं। चॉकलेट पूरी मेल्ट हो गई है तो गैस को अभी हम ऑफ कर देंगे और ये जो बोल है इसको हम पैन के ऊपर से हटा लेंगे। अभी ये जो चॉकलेट है ये काफी गर्म है तो हम इसको इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब हमें क्या करना है कि ये जो बिस्किट्स हमने लिए हैं इनको हमें चॉकलेट में अच्छे से कोट करके रखते जाना है। तो देखिए ये जो बिस्किट है ये अच्छे से हमारा कोट हो गया चॉकलेट में, तो इसको हम बड़े आराम से उठाएंगे स्पून से और ट्रे में बटर पेपर पर रख देंगे। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनसे हम साथ ही में इसको गार्निश भी कर देंगे, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर सेट हो जाएं। इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स को चॉकलेट में अच्छे से कोट करेंगे और ड्राई फ्रूट से गार्निश करते जाएंगे। सारे बिस्किट्स को मैंने चॉकलेट में कोट कर लिया है अच्छे से, कुछ को ड्राई फ्रूट से गार्निश किया है और मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी रखी थी तो कुछ चॉकलेट्स को मैंने टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर दिया है और कुछ को मैंने ऐसे ही प्लेन रखा है, किसी भी चीज से गार्निश नहीं किया है। अगर आपके बच्चों को ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी पसंद नहीं है तो आप एज इट इज प्लेन चॉकलेट भी बना करके उनको दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसको ड्राई फ्रूट या टूटी फ्रूटी से गार्निश करें। तो अभी हमें इनको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, जिससे कि जो हमारी चॉकलेट है वो बढ़िया से सेट हो जाए। चॉकलेट हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो जितनी भी एक्स्ट्रा चॉकलेट हमें दिख रही है उसको हम नाइफ की हेल्प से हटा देंगे। सारी एक्स्ट्रा चॉकलेट को हमने हटा लिया है और ये मैंने थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट का कोन बना के लिया है, थोड़ा सा चॉकलेट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए। तो ये व्हाइट चॉकलेट से हम सारी चॉकलेट्स पर इस तरीके से रफली डिजाइन बना देंगे तो ये चॉकलेट बच्चों को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और वो बहुत ही ज्यादा इसको पसंद करेंगे। तो देखिए ये हमारी चॉकलेट कितनी बढ़िया लग रही है। और एक चॉकलेट में आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया लेयर आई है चॉकलेट में। और ये जो चॉकलेट है ना ये बहुत ही बढ़िया और क्रंची है खाने में। और बच्चों को आप एक बार ये चॉकलेट बनाकर देंगे तो फिर कभी भी वो आपसे मार्केट से चॉकलेट लाने को तो बोलेंगे भी नहीं। तो आप केवल 2 चीजों से इस चॉकलेट को बच्चों को बनाकर दीजिए और बच्चों को एकदम खुश कर दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। Have a nice day.